बैक टू माई चैनल। तो कैसे गाइस आप सभी, आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज सोच रही हूँ कि आज आप लोगों के साथ एक अच्छा सा DIY शेयर किया जाए और दिया होल्डर बनाने की मैं सोच रही हूँ। और मेरे पास बहुत सारे वेस्ट मटेरियल है और अभी सुबह का टाइम हो गया है, घर के मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो रेडी भी मैं हो गई हूँ और टाइमिंग जो है 10:30 बज रहे सुबह के, तो मैंने अपना मटेरियल तो निकाल लिया है। तो सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ एक छोटा सा DIY शेयर किया जाए। और मशीन में धुल रहे कपड़े, क्योंकि मुझे बाहर का मेकओवर करना है और अभी वापस जब मैं निशवान को लेके वापस आ जाऊँगी तब भी मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है करनी है, क्योंकि अब टाइम जो है बहुत कम बचा हुआ है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ एक अच्छा सा DIY शेयर किया जाए। और मिट्टी थोड़ी सी सानी है मेरे को, और पहले मैं कटआउट कर लेती हूँ उसका, थोड़ा सा एक डिज़ाइन निकाल लेती हूँ। एक्चुअल में मेरे को दो दिया होल्डर बनाना है, एक पीकॉक वाला बनाना है और दूसरा 3 दिए होल्डर मेरे को बनाने हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आई होप सो कि मेरा ये आइडिया आप लोगों को अच्छा लगे, थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मशीन में अभी कपड़े धुल रहे हैं, तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना आज का DIY। तो गाइस मैंने दिया होल्डर जो मैं बना रही हूँ ना, उसको थोड़ी देर के लिए मैंने सूखने के लिए यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि ये एकदम से नहीं बनते हैं, इनको थोड़ा थोड़ा सूखा के उसके बाद आगे का काम स्टार्ट होता है। और वेट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको बैठ के सूखाऊँ, और जब तक ये सूखेगा तब तक मैं अपने बेटे को लेके वापस भी आ जाऊंगी। मिट्टी मैंने बहुत सारी सान लिया है क्योंकि मुझे 3-4 कैंडल होल्डर जो है बनाना ही है। तो इसको मैं आपको दिखा दूँ कि अभी सूखने दे रही हूँ मैं, ये देखिए। तो ये अभी पार्ट 1 है इसका, जब तक ये दिया सूखेगा नहीं ना इसके आगे का काम हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। जब तक 1 घंटे में तो ये सूख जाएगा, थोड़ा बहुत तो सूख ही जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि मैं इसको धूप में सुखा सकूँ। तो इसी वजह से इसको अभी रहने देते हैं, सूखने देते हैं और अपना बाकी का काम करते हैं, ठीक है। सो गाइज ये मेरा सबसे इजी DIY है, मैं कैंडल होल्डर बना रही हूँ, दिया होल्डर बना रही हूँ। एक्चुअल में कैंडल होल्डर नहीं बना रही हूँ मैं, इसमें दिया जला सकूँ इसलिए मैं इसको बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पे 3 दिया होल्डर बना रही हूँ और मैंने इस तरीके से कार्डबोर्ड लिया है और उस पर मैंने दिया स्टिक कर दिया है। देन मैं वॉल पुट्टी से इसको कवर करके बस कलर कर देंगे। बहुत ईजी है और काफ़ी जल्दी बन जाने वाला DIY है, और उम्मीद करूँगी कि मेरा आज का DIY आप लोगों को पसंद आएगा। घर का मेकओवर कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने जो दिया होल्डर बनाया है, और एक्चुअल में मैंने 4 दिया होल्डर बनाया, जो आपको छोटा सा मटकी दिख रहा है ना उसे भी मैं मेकओवर करने वाली हूँ। तो बस अब इसको सूखने देंगे, फिर उसके बाद कलर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं। मॉर्निंग एवरीवन, तो कैसे आप सभी, आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 9:30 बज रहे हैं और आज मैं दिवाली को सिर्फ और सिर्फ 4-5 दिन बचे हैं, तो मैं थोड़ी सी किचन की सफाई कर रही हूँ। और देख सकते हैं जितना भी कबाड़ है उसको निकाल रही हूँ, क्योंकि किचन तो मेरा ऑलमोस्ट क्लीन था, बस जो डब्बे वगैरह थे उनको मैं धो रही हूँ, थोड़ा सा
निकाला है मैंने डब्बे वगैरह जो फालतू की चीज़ें थी, तो अभी ऑलमोस्ट मैंने अलमारियाँ सारी सेटअप कर लिया है। जितने भी एक्स्ट्रा ये सब चीज़ें रखी हुई थी ना, मैंने रैक में से निकाल के फेंक दिए हैं, बहुत बेकार लग रहे थे। तो आज तबीयत भी थोड़ी सी ढीली है मेरी, तो बस ये थोड़ा सा रह गया है, इसको सफाई करेंगे, उसके बाद अपना फटाफट कुछ ज़रूरी काम निपटाएंगे, DIY वगैरह। और क्योंकि ऑर्डर भी है एक दो, तो उसे भी कंप्लीट करके देना है। ऑर्डर तो कंप्लीट हो गया है, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 5 प्लेट थी, ये 5 प्लेट थी जिसे मैंने बना दिया है। अब बस इसमें डबल टेप लगा के उनको देना है। तो ये मेरा नहीं है, ये किसी और का है। और एक ये भी सूख गया है, अब इसका आगे का प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे। रात भर में तो ये बहुत अच्छे से सूख गया है, कल दोपहर को बनाया था, पूरा पूरी दोपहर और पूरी रात। ये मैं एक लाइट के लिए बनाया है, दिया जलाने के लिए। और इसमें इसका यहाँ पे अभी ये पंख लगेगा इस तरीके से, तो ये बन जाएगा एक पिकॉक। तो इसे भी कलर करेंगे, डेकोरेट करेंगे। चलिए फटाफट काम निपटाते हैं। और ये भी सब मेरे सारे सूख गए हैं, तो देख सकते हैं रेडी है मेरा 3 दिया होल्डर। बहुत कम टाइम में बनने वाला दिया होल्डर आसानी से रेडी है, वो भी 3 मैंने बनाए हैं, ये देखिए। और जब इसमें दिया जलेगा तो कागज़ जलने का कोई चांस नहीं है कि हाँ कागज़ जल जाएगा। ये 3 पिन भी मेरे को चाहिए इसमें लगाने के लिए इस तरीके से, तो जो आज बेस्ट है। तो ये काम करेंगे, चलो पहले किचन क्लीन कर लेते हैं, फिर इसको करते हैं। सो गाइज, ये मेरा जो टी लाइट होल्डर है ना, ये सूख गया है। मैंने इसे वाइट कलर का कर दिया एक्रेलिक से, ये वाले कलर से। अब मैं इसे कलर करूँगी, आप अपने अकॉर्डिंग कलर कर सकते हैं। ये भी मेरा सूख गया है, और अब मैं इसका पंख लगाऊंगी। तो ये देखिए, ये मेरा बन जाएगा मोर। और इसमें मैं POP नहीं लगाऊंगी। और अब मैं इसको कलर करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि कलर करने के बाद कैसा दिखता है ये। तो गाइज, मैंने यहाँ पे 3 कलर कर दिए हैं, और अब मैं इसे मिरर से डेकोरेट करने वाली हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग डेकोरेट कर सकते हैं, बहुत सिंपल DIY था ये, और आप इसे कहीं पे भी इजी हैंग कर सकते हैं। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 3 कलर कर दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे मिरर से और थोड़ा सा आउटलाइनर से जो है करने वाली हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगे। बाकी आप लोग देख सकते हैं ये ऐसा पूरा रेडी हो गया है। तो चलिए मैं फटाक से आपको डेकोरेट करके दिखाती हूँ। डेकोरेट करना बहुत ईजी है। डेकोरेट करना मैं इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग डेकोर कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो आप इसमें आउटलाइन भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा ये और खिलकर आएगा और सुंदर लगेगा। तो चलिए फटाफट इसे मिरर से और कुछ आउटलाइनर से डेकोर करते हैं। सो गाइज, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डेकोर कर लिया है 3 पीस को, और अभी भी दिवाली में 4 दिन बाकी है। और आप लोग भी इस तरीके के छोटे छोटे, ये तो 1-2 घंटे में आराम से बन के रेडी हो जाएगा। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 3 दिया रेडी कर दिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। एक बार मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि ये कैसा लग रहा है लाइट में, ये देखिए। तो बस मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिंपल सा ही रखा है, बस एक मिरर लगाया है, देन आउटलाइनर से इसको आउटलाइन कर दिया है। और अब कुछ मैं स्टोन लगा दूंगी, छोटे छोटे जहाँ पे मैंने डॉट डॉट दिया है उन्हीं को मैं थोड़ा सा स्टोन से क्रिएट कर दूंगी। तो ये बहुत सुंदर रेडी हो जाएगा, और आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। आप इसे दरवाजे पे कहीं पे भी आप इसे हैंग कर सकते हैं इजली, और देखने में भी ये बहुत सुंदर और कलरफुल लगने वाला है। मैंने कुछ नहीं किया है, बस यहाँ पे एक दिया को कार्डबोर्ड में हैंग कर दिया है, डेट सीट गाइस। और आप लोग देख सकते हैं मैंने इसमें कोई खास मेहनत नहीं किया है, जिसे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगे आप लोगों को कि हाँ बहुत डिफ़िकल्ट है, इसे बना पाना बहुत मुश्किल है। बस मैंने वाइट सीमेंट से ही इसे पूरा रेडी कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। अब ये हैंग करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। आप दरवाजे पे लगाइए, ट्रेडिशनल आप डेकोर कर सकते हैं। और एक मैं ये वाला लेकर आई हूँ, ये मुझे 30 रुपीज़ का मिला है, और ये मुझे 25 रुपीज़ का मिला है। तो इस तरीके की चीज़ों से आप अपने घर को, ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगा महंगा सामान खरीदिए तो ही आप अपने घर को दिवाली से डेकोर कर सकते हैं। ये छोटे छोटे आइडिया से, क्रिएटिविटी से अगर आपके अंदर है तो आप भी
अपने घर को सजा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें मार्केट में लेने जाओ ना, तो आपको पता पड़ेगा कि मार्केट इस बार कितना ज़्यादा महंगा हो रखा है, आपको इन सब चीज़ों के कितने ज़्यादा जो है पे करने पड़ते हैं। तो मैंने कुछ नहीं किया है, थोड़ा सा अपना टाइम दिया है और थोड़ा सा क्रिएटिविटी, थोड़ा सा माइंड लगा के इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें मैंने अपने घर के लिए इस बार दिवाली के लिए रेडी किया है। और आप सबने देखा ही होगा कि मैंने इस बार बिल्कुल भी मार्केट से कुछ भी परचेज नहीं किया है। अगर मैं सच्ची बताऊं, जितने का मैंने मटेरियल लाई हूँ ना, उतने में मेरा कितनी सारी चीज़ें DIY रेडी हो गई है। और अगर मैं मटेरियल के बजाय ये मार्केट से खरीदने जाती तो मेरा एक सामान मटेरियल के बराबर ही आ जाता। मतलब कि जितने का मेरा एक मटेरियल में इतनी सारी चीज़ें रेडी अगर हो रही है, तो मटेरियल खरीदना बेस्ट है कि आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें, थोड़े से कलर। और मैं आपको बता दूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप एक्रेलिक के महंगे महंगे कलर ही खरीदिए। मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं अभी ये कलर यूज़ कर रही हूँ, जो कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 20 रुपीज़ के 12 पीस मिले हैं। 20 रुपीज़ के 12 पीस, ये जो बच्चों के कलर होते हैं ना, आप इनसे भी सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये में भी बहुत सारे DIY बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे महंगे खर्च करो। अब इनको सूखने देते हैं, जब तक ये सूखेगा मैं नहा के भी आ जाऊँगी। मैंने बालों में मेहंदी लगाई है, मैं इसको कलर करके गई थी, जब तक ये सूख रहा था मैं मेहंदी लगा के आ गई, और मेहंदी अब सूख रही है तो मैं इनको कलर करके जा रही हूँ। आउटलाइन कर दिया है, और जब तक मैं नहा के आऊँगी मेरे आउटलाइन सूख जाएंगे। सो फैमिली, अब मैं आपको एक बार घर का नज़ारा दिखा देती हूँ। इतने बड़े घर का साफ़ सफाई करना आसान नहीं है, मैंने बहुत मेहनत किया है आज सफाई करने में। मेन जो है मेरा किचन, मैंने सेट किया है, बहुत अच्छे से साफ़ सफाई किया है अपने किचन की। तो सारा रैक वगैरह सब मैंने क्लीन कर दिया है, सारे बर्तन क्लीन कर दिए हैं, जितने भी गंदे बर्तन थे जो यूज़ नहीं होते थे उन्हें भी मैंने धो के क्लीन कर दिया है। तो देख सकते हैं पूरा चमक गया मेरा किचन, ये देखिए सब मैंने साफ़ कर दिया है। अब मेरे पास कोई काम नहीं बचा है, झाड़े वगैरह सब मार दिए हैं मैंने, यहाँ पे भी सफाई कर दिया है सब, ऑलमोस्ट जितने भी झाड़े वाले थे सब साफ़ कर दिया है। तो अब आप लोग मेरे लिविंग रूम का देख सकते हैं, और ये हो गया मेरा लिविंग रूम, और बेडरूम की भी पूरी साफ़ सफाई कर दिया है। बेटा लटक के खेल रहे हैं, और आप लोग देख सकते हैं। अब ये वाला एरिया है जिसे मुझे थोड़ा सा डेकोर करना है, यहाँ पे मेरे को थोड़ी सी लाइट करनी है, थोड़ा सा डेकोर करना है, क्योंकि कहीं पे भी अंधेरा मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा सा यहाँ का मेकओवर बाकी है, जो मैं आपको अगले वीडियो में दिखा दूंगी कि मैंने क्या किया है। बाकी सब चीज़ रेडी है, और आज ही मुझे अपना तोरण भी रेडी करना है, बाहर का थोड़ा सा काम बचा है उसे भी मुझे आज ही रेडी करना है। लाइट नहीं जलाई है मैंने, और ये देखिए। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट रूम, जो कि इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, सब ऑलमोस्ट डन हो चुका है, दिवाली की पूरी तैयारी हो चुकी है। चलिए मैं नहा के आती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। हो गया है, और मैं ना बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। कभी कभी शरीर जो है कह देता है कि बस अब इससे ज़्यादा काम नहीं होगा, लेकिन माइंड जो है नहीं मानता है, दिमाग नहीं मानता है। कि ऐसा होता है कि आपने आज ये काम किया तो ये भी कर लो, और आज मेरा मन नहीं मान रहा है, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मुझे ना जितने भी ज़रूरत की चीज़ें हैं ना वो सब कर लेनी चाहिए। अदरवाइज़ अब मेरे पास जो है ना ज़्यादा टाइम नहीं है, और मैं बाल धो के नहा के आ गई हूँ। आई थिंक मैंने टाइमिंग नहीं देखी है कि टाइमिंग कितना हो रहा है। 2 बज गया है, मैं सुबह के 9 बजे से लगातार लगी हुई हूँ साफ़ सफाई में, घर के कामों में, और करते 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 अब जाके मैं फ्री हुई हूँ 2 बजे। लेकिन अब जो है मैं एक तरफ दाल रखूँगी, और निशु को पहले सैंडविच बना के दूँगी। मेरा तो अभी बिल्कुल भी लंच करने का मन नहीं कर रहा, मैं फिलहाल दाल बनाऊँगी और चावल बनाऊँगी, और निशमान को जो है सैंडविच बना के दूंगी। और काम इतना ज़्यादा पसारा हो गया था ना, सबसे बड़ा हेडक जो था ना मेरा किचन का था। आज फाइनली किचन भी मेरा नीट एंड क्लीन हो गया है, सारा सब कुछ नीट एंड क्लीन हो गया है,
कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सबको पता है कि मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऑलमोस्ट आपको नज़र आ ही रहा होगा, मैं दिखा दूँ, मैंने एक एक रैक को सफाई करी है, एक एक रैक की सफाई करी है, पूरी सेटिंग करी है, चीज़ें आप खुद ब खुद देख सकते हैं कि कितना साफ़ सुथरा सब दिख रहा है। मंदिर की सफाई करी है, ये जितने भी हैं इन सब की डस्टिंग करी है मैंने, इसकी डस्टिंग करी है, ये पूरा रैक निकाल निकाल के डस्टिंग करी है, किचन की एक एक चीज़ की सफाई करी है, जितने भी जो बर्तन यूज़ नहीं हो रहे थे उनकी भी मैंने सफाई करी है, पूरा चमक रहा होगा। अब मैं आलू निकाल के मैंने रखा है, अब मैं निश्वान को जो है सैंडविच बना के दूंगी और अपने लिए बनाऊंगी एक कप चाय, तो ब्रेड सैंडविच बना के दूंगी और उसके बाद जो है मैं दाल चढ़ा दूंगी, क्योंकि दाल अभी नहीं खाएगा, कोई भी नहीं खाएगा, दाल जो है मैं बना रही हूँ वो शाम के लिए बना रही हूँ। तो चलो फटाफट दाल चढ़ा देते हैं और इसको मैं सैंडविच बना के दे देती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। कि आप लोग अच्छे होंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा 3 कैंडल होल्डर बनके रेडी हो गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है दिवाली के लिए। ऐसे आप बहुत सारे बना सकते हो। आप देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ी सी तो रोशनी आ गई है, मैंने बोला था ना मैं यहाँ का मेकओवर करूँगी, तो ये देखिए इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इसे मार्केट से खरीदा हो। सच में बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और वो कहावत सुनिए ना आप लोगों ने, हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा, तो वही वाला हाल है, इतना सुंदर वाइब आ रहा ना वाइब्स, ऐसा लग रहा है जैसे राजस्थान में मिलते हैं ना इस तरीके से दिया होल्डर, बिल्कुल वैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लगा ये मेरा कैंडल होल्डर, और आपको यहाँ से भी दिखा दूँ तो ये देखिए आपको बहुत सुंदर लगेगा देख के, है ना, लग रहा है ना प्रीटी अमेजिंग, सच में बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर लग रहा है गाइस। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना मेरा आज का DIY वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और अभी मुझे बहुत सारे काम है जिसे मुझे निपटाना है, तो चलिए उनको भी फटाफट रेडी करते हैं। और यहाँ पे एक दिया और रखा है जिसे मैं जलाने जा रही हूँ।
हूँ और मैं बहुत 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 ज़्यादा थक गई हूँ, और मिलती हूँ आप लोगों से कल के वीडियोस में। आई होप सो कि मेरा आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो से आप लोग नोटिफाई हो पाए। बाय बाय गाइज़।